जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम मेरे देखने वाले बहन भाई, कैसे हैं जी? उम्मीद है कि सभी बहन भाई खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू कर रहे हैं, तो ज़रूर लाइक भी करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना। जो बहन भाई नए हैं वो बेल का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक बरवक़्त पहुँच सके। हाँ जी, इन्ना खलारा क्लोज कर दे पे आज। अच्छा जी, मेहमान आए सी, मेहमान हम चली गई है, मैं आके थोड़ा थोड़ा रोजाना खिलारा चुका। ईद को आने वाली है, इन्ना ज्यादा खिलारा सी क्योंकि फिर सारा दिन खाना बना लिया, मिस्त्री भाइयों को चाय पानी दे लिया, तो जिदा कपड़े धो तो सी धो के इस तरह चार पाइं तो सीटी जाती सी। हूँ मैं जोड़े मेरे न्यू कपड़े आते मार्च बटन वगैरह लगाने सैड चुकना, तो वह मैं सारे इस बॉक्स रखे आ, तो इन्हों बंद कर दी मैं ऐसा लगा के साफ तो कर दूँ। बाकी जो अभी घर पाने वो सारे मैं हम इतने रख दी क्योंकि ना कोई सेफ आ ना कोई अलमारी आ, कोई चीज़ नहीं है इस तरह की, चार पाइया तो ही रखने हूँ थले सीटिए तो जो सौखा जी बजूले बढ़ने, तो इस करके मैं ना हूँ ए सुबह की लगी हुई हूँ। अज काफ़ी खिलारा सारे नीचे भी आज सारे धोने वाले नीचे सीटो है, मैं सारे सैट कर करके हूँ इस चार पाई से सैट करके रख दी हूँ। सैट करके रखो तो एक दिन ही लंघता है, फिर अपने कपड़े लग दिए सारी एक जगह कर दी। मैं एक मिनट वास्ते पंखा बंद किया सी ते ज़ियान उठ खड़िया सी। हाँ जी, घर के बच्चे भी सो रहे हैं, मैं चाचू जी तो चाची जी ने सारे कपड़े बाहर निकाल के रखे हैं, उन्हें हम तय करके कि बैग एक बना के रख दिए कि फिलहाल मैं जो सारे अपने इन्होंने मैं जो सैट कर दिया, उन्होंने कपड़े इस्त्री करके जरा ना वो रख लें, इस्त्री उस्त्री नहीं करने वैसे करते हैं, और इस्त्री कड़ा रहती है कितने आना कितने नहीं आना है, अगे तो असि ना ईद करके जाना सी ते ईद इस करके नहीं कर सके, गर्मी बहुत ज्यादा सी। हाँ जी, काफी भैन भाइया ने कमेंट किए सी, देखो हर जरूरी नहीं हर गल के नेट पे बंदा दसे या शेयर करे, सौ घर के अपने मसले मसायल होंगे, एक नीत चाची जी उन्होंने करनी सी चाची जी उन्होंने, तो एक तो गर्मी बहुत ज्यादा सी। हाँ जी, चाचू जी पिछले जो अपना मतलब काम से उन्होंने वो रुके पे सी, चाचू जी जिस दिन उस दिन कह रहे थे कि अगर मेरा छोटा बेटा घर रहेगा फिर वो सारा संभाल लैंदा वा, तो अगर वो मतलब कि अपनी ड्यूटी पर चले जाए या कितने होर आस पास चले जाए फिर जो मैं काम करदा वा फिर मैं जाके देखना पैना वा, फिर यह भी मसला सी, फिर इस करके चाचू जी चले गए। दूसरा ये कि ईद इतने भी ईद करनी है तो उत्थे भी ईद करनी, कोई नहीं इंशाल्लाह सर्दियाँ चाहे तो फिर कुछ दिन रहने गर्मियों चो इतने नहीं रह सकते। हाँ जी, ऐसे एक गल कि गर्मियों ना वो अगर एसी लगे होंगे ना फिर उन्होंने रह जाना सी, आन का मज़ा गर्मियों है क्योंकि फ्रूट बहुत ज्यादा मज़े मज़ेदार आते हैं। चाचू ना फेवरेट माशाल्लाह। हाँ जी, मैंगो आलू बुखारा खुमानी थे आलू घट खाते सी, ते तरबूज तीन चीज़ा, ते फालसे का शरबत ऐसा चीज़ा बहुत पसंद करते, गन्ने का रस भी पसंद करते, लेकिन उस तरह की चीज़ा तो नहीं असी देती आके, तो सिर्फ ज़्यादातर फालसे का शरबत बना लेना सी, मैंगो बहुत जबरदस्त, मैंगो चाची के भी फेवरेट से, चाची के भी बहुत शौक न पाते थे, तो असं इस्लामाबाद गए हैं, मैं कहती सी कि वे शहर पता नहीं किस तरह का की हिसाब किताब, साढ़े शहर ही वो फ्रूट आता वा जरा ना अच्छा अच्छा निकाल के जरा बचता वा, तो उत्थे तो इन्ने खूबसूरत मैंगो साफ सुथरे, कोई दाग नहीं कोई उपर इस तरह के, मैं कहती यार जो बेशक तुम्हें रेहड़ी खरीद लो जे अं उधर चाचू जी सू दिखाने वास्ते सिर्फ लैके, मैं तो चाची कह रही कि रहन रहन दो असं नहीं जाना, तो चाचू कहना भी आए हुए तो है एक बार तुम देख लो, तो उत्थे फ्रूट जितने मतलब उन्होंने लगाए हुए स्टोर इन्ना खूबसूरत, इन्नी मैं उत्थे रेड शिमला मिर्च येलो मैं सारिया देखिया उ। अच्छा। हाँ जी, तो वह इतने साढ़े नहीं आदि है, तो ना इतने लोगों को पता हो उन्होंने पकाने की बना, इस तरह ही वाकई बहुत बड़े बड़े स्टोर आते, उन्होंने हर चीज़ जी बहरले मुल्क मिलती है उही इतने मिलती है। हाँ जी, चाचू कहते कि यूके के मुकाबले ना मतलब इतने मिलती चीज़ा। चलो तुम क्लोजिंग करो, कल अगन बेटी की साल गिरा सी, मेरी इन्नी ज़्यादा तबीयत खराब सी, नहीं अगन तैयारी कर दी तो मैं भी कर दी, लेकिन फिलहाल तबीयत मेरी हूँ भी ठीक नहीं है, तो मैं फिर भी मैंने खिलारा पिया चंगा नहीं लगता कम, मैं भी नहीं घर का काम हूँ, मैं रोटी सुबह दिन हल तक बनाई, हूँ मैं रोटी भी बना रही हूँ, पहले थोड़ा जहा खिलारा क्लोज कर ला, तो मैं ना अगन बेटी जी ने अच्छे तरीके से सालगिरह नहीं कर सकी क्योंकि अगर असं शहर से बैठे से जो मर्जी जो चीज़ मर्जी ले, असी केक तो लैके आए थे इतने, फिर अगन बेटी ने उसी बस सी बेटा
वैसे ही कट के खा लो तो मेरी तबीयत नहीं ठीक है। तो हम मैं सारा दाना चुक ला कि बाकी गलत बाद बच्चों को कूलर ला के दिता सी इतने तो बच्चे इतने सो गए सी तो हूँ सपारा पढ़न गए हुए हैं तो हूँ मिस्त्रियों वास्ते चाय बनाने मेरे नाल ही है। ज़ियान खेलता रहता है तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता। चाचू जी कहते हैं कि ज़ियान का ख्याल रखा करो, ज़ियान बहुत ज़्यादा शरारती भी है तो यदा खास ख्याल रखना। चल आ जा ज़ियान, आ चलिए चाय बनाइए जी। सुमेरा सारे कपड़े जड़े ना कल भी धोए तो आ, गर्मी हैगी सिर्फ एक दिन चार चार सूट लथ जाते हैं इस तरह ही है ना। हाँ जी जी हाँ जी एदा बस कोई नहीं, फिर इन्हों के कलर लथ के होंगे, कोई तौलिया ऐसा नहीं जिदा कलर ना लथे। ये चाचू जी का धो के सुखा के तह ला के रख दे। अच्छा एक चाची का भी सूट धो दिता। अच्छा तौलिया सही है। चाचू जी कलर लवादी रही है ना तो उन्हें रंगदार तौलिया लिया से मेहंदी। हाँ जी अच्छा जी चाय पका रहे मिस्त्री भाई लोगों वास्ते तो उन्होंने फिर चाय दे जी। चाय लैके आए भाई लोगों वास्ते, मैं क्या भी चाय पी लो दोपहर का टाइम है जी। सुनाओ कैसी बनी चाय? जबरदस्त। अच्छा जी सही है। आ तो मेरे ख्याल कोई चीज़ बेचने वास्ते आ गया। ज़ियान मिट्टी में फिर अपने कपड़े खराब कर लिए। ज़ियान है तो साकी का बहुत करता, सारा दिन ये पिछे पिछे रहा। ज़ियान नाल बिठा देता जी। हूँ आए ने भाई जड़े ना जड़िया विंडो रहनी असी लगाने वास्ते, एक दो विंडो जड़िया ना असी ये लगावे क्योंकि नेरी आती सी ना बहुत ज़्यादा तो सारे कमर च मिट्टी आ जाती सी, सारे छापर आ जाते सी बाहरों क्योंकि हवा उधर दी आती सी जनूब मशरक वाली साइड तो ना, मशरक कहते तो सॉरी शमाल वाली साइड तो, ते सारे डस्ट अंदर आती सी। ते चाचू जी ने कहा कि जड़े ना ये दो दरवाजे ते इधरों विंडो लगा दियो ताकि जड़ी है ना मट्टी जड़ी अंदर आने तो जड़ी है ना रुक जाए। ते भाई हुणी लगाने वास्ते आए ने ते असी अपने देखने वाले भैन भरावां नाल व्लॉग शेयर करते हैं। इधरले पासे मिस्त्री लगे हुए ने ते इधर असी कहा कि जल्दी जल्दी जड़ा ना ये भी कम कंप्लीट हो जाए क्योंकि बहुत सारे काम पेंडिंग पे ने जी जी जी। तो उमा ज़ियान पिछे जड़ा ना वह आया हुआ तो ये भी ज़ियान की भी गल सुनते हूँ असं जी। बस इतने तवी भी थोड़े दिन आ तो फिर असी तवी उधर रख लैनी है, उधर छत भी पै जानी है ते दूसरी साइड ते ते मैं ना बालन टुकना चाह रही थी, सारा टुक के भरी बनना चाह रही थी, मैंने कुल्हाड़ी नहीं लभी है। चलो कुल्हाड़ी लेके ते मैं थोड़ी ना हेल्प करा देना। सारे टुक के तो भरियां बननियां वा, इज्जत इधर आ तो पता नहीं किन्ना का बालन है, सारे टोटल दो भरियां वा टुक के सही तरीके ने बनियां होन तो सही है। हां जी ये बालन नाल इथो चकना वा ये जगह सारी बराबर हो जाएगी। हां जी इथे गड्डी वाले ने करा लगाने है ते वे एक चलो भी सुबह चुकवा लांगे एक रेड़ी। नहीं बाहरली दीवार ते लगनी है ओ, बस करो मशीन ओच पै जाना पानी जी। उमर बिस्तरे करदा पिया, इस टाइम दी ड्यूटी हुंदी है, इन्हें एयर कूलर पखा भी चला लिया ताकि जरा ना गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा वा। अदन बेटी हुण अदन बेटी हुण देखो तो जरा ना विंडो ला गई, हुण तो हवा तेज़ नहीं आएगी है ना, ना नेरी आएगी, नेरी तो भी बहुत ज़्यादा डस्ट आते सी, इतने दरवाजे लग जाएंगे तो इस जगह पर भी दरवाजे लग जाएंगे। तो देखने वाले भैन भरावां नूं असीं जिहड़ी अज दी रूटीन दिखा दईए कि जिहड़ा बाहरों लोक इस तरह की लगती है, दोनों विंडो जड़िया ना वो लग गई तो हूँ इधर जड़ा ना इत्थे तक कम कंप्लीट हो गया जी। तो असी ये देखने वाले भैन भरावों तो इजाजत लवेंगे, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो च। जी हाँ इसको पिलर बोलते हैं बेटा जी, ये सारे जो है ना
जो मवेशी हैं ना हमने रखने हैं, उनके जो है ना वो मकान बन रहे हैं। तो इसी के साथ अपने देखने वाले बहन भाइयों से इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।